सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो पे आज मैं आपको एक हरी मिर्च काटने वाली मशीन बना कर दिखाने वाला हूँ, जिसको आप चिली स्लाइसेस भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जूझ करना। वीडियो में कुछ हुआ है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जूझ करना। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड चैनल पर पहली बार आए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन और पे जरूर प्रेस करना। चलते इस मशीन को बनाने की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। इस मिक्सर कटिंग को अपन को बनाने के लिए यहाँ मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। मैं क्या क्या कंपोनेंट यूज़ करूँगा और सब आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डीसी मोटर ले लेनी है, जो कि 3 to 12 वोल्ट तक वर्क करती है। आपको ये ले लेनी है और फिर उसके बाद आपको एक स्विच ले लेना है, जो कि वर्क करता हो, ऑन ऑफ होता हो, आपको वो वाला स्विच ले लेना है। स्विच ले लेने के बाद आपको वायर ले लेना है, जो कि वायरिंग करने में काम आएगा। फिर आपको एक लिथियम आयन सेल होल्डर ले लेना है। ये होल्डर मैंने खुद ने बनाया है। अगर आप खुद की वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हो, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। फिर आपको एक यहाँ पे व्हील टाइप का दिख रहा होगा, चक्का टाइप का, ये मैंने ख़राब प्रोपेलर जो आती है उसके अंदर से मैंने ये निकाला था। आपको भी उसी के अंदर से निकाल लेना या फिर आप दूसरी चीज़ ले लेना। आपको यहाँ ब्लेड ले लेनी है, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ब्लेड है। हाँ, मैंने सीजर की हेल्प से उसको पतला पतला साइड साइड से कट कर दिया था। ये ब्लेड आपको जो रेज़र आती है दाढ़ी बनाने के लिए उससे मिल जाएगी, शेविंग वेविंग। और ये आपको आखिरी में एक बॉक्स ले लेना है, जो कि अपनी मिक्सी के लिए सबसे मेन होने वाला है। फिर आपको वही बॉक्स ले के आपके यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन ले लेना है, जो कि फ्रेंड्स इसको सोल्डरिंग आयरन को आपको बीच में होल कर लेना सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से। यहाँ देख सकते गाइस, मैंने छोटा सा होल कर लिया है। फिर आपको यहाँ डीसी मोटर ले लेना, वही वाली। फिर उसमें देख सकते साइड साइड में मैं थोड़ा सुपर ग्लू लगा देता हूँ। इसको मैं अब मोटर में जो होल करा था उसके अंदर मैं लगा लेता हूँ। ध्यान रहे मोटर के अंदर फेविक विक नहीं जाना चाहिए। यहाँ देख सकते गाइस, मैंने उसको ना ग्लू गन की हेल्प से भी चिपका दिया था। फिर उसके बाद जो सेल होल्डर, मैं उसको यहाँ लगाऊंगा और जो स्विच है मैं यहाँ लगाऊंगा उसको। तो यहाँ देख सकते गाइस, मैंने सेल होल्डर को लगा लिया और स्विच को भी। लगा लेने के बाद अपन को मैं इसकी वायरिंग कर लेता हूँ। यहाँ देख सकते गाइस, मैंने इसकी वायरिंग कर ली है। वायरिंग कर लेने के बाद जो अपन ने प्रोपेलर का बीच वाला पार्ट कट करा था और यहाँ पे रेज़र कट करी थी, उसको मैं है बीचों बीच देख सकती। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ स्क्रीन में, ऐसे ही आपको करना है। अपन को उसको बीचों बीच ऐसे चिपका लेना है। यहाँ जैसे गाइस, मैंने इसको चिपका लिया ग्लू गन की हेल्प से। अब मैं इसको जो अपन ने मोटर ली थी उसके बीचों बीच मैं इसको चिपका लेता, मतलब चिपका नहीं, मतलब गाइस मैं इसको मोटर की शाफ्ट में इसको फिट कर लेता हूँ। तो ये जो अपनी मशीन है बन के रेडी हो चुकी है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे मिर्च डालने के लिए अपन को यहाँ सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से यहाँ मैं होल कर लेता हूँ। अच्छा बड़ा वाला आपको करना है, जैसे मैं यहाँ पे बड़ा वाला कर लिया, जैसे मैं मिर्ची से नाप के करा था। चलिए गाइस, मैंने अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर सेल लगा लेता हूँ, जो कि लिथियम आयन है। मैं इसकी अब टेस्टिंग कर लेता हूँ। यहाँ देख सकते हैं सब ओके हो गया। यहाँ मैं कुछ मिर्च ले लिया हूँ, आपको जो भी मिर्च हो आप वो ले लेना। यहाँ अब मैं इसको ऑन करता हूँ, काफ़ी अच्छी तरीके से कट कर पा रहा है गलती। लेकिन देखिए थोड़ा रुक रुक के चल रहा हो, क्यों चल रहा है? अभी आप इसकी टेस्टिंग भी देखें। ये देखिए सेल थोड़ा गड़बड़ कर रहा था, ये रुक रुक जा रहा है क्योंकि इसमें कम पावर है। तो गाइज अब मैं इसको थोड़ी ज़्यादा पावर दे के देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी ले लिया हूँ, जो कि 12 वोल्ट की बाइक की बैटरी रहती है, जो मोटरसाइकिल की रहती है वही बैटरी लिया हूँ 12 वोल्टेज की, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करती है। और यहाँ पे जो क्लिप्स हैं मैं उनको मोटर में जो मशीन है उसमें लगा लेता हूँ। देख सकते गाइज, मैंने इसमें लगा लिया है। और चलिए मैं इसको मिर्च अब अच्छे से, यहाँ देख सकते गाइज निकल गया वायर, मैं फिर इसे लगा लेता हूँ अच्छी तरीके से। आपको अगर आप 12 वोल्ट की डीसी मोटर यूज़ कर 12 वोल्ट पावर सप्लाई देना, मैं 12 वोल्ट दे रहा हूँ। तो देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से कट पा रहा है और फ्रेंड्स काफ़ी फास्ट कट कर रहा है। और फ्रेंड्स चलिए आप इसकी थोड़ी और टेस्टिंग देख लो।
गाइज आपको एक टेस्टिंग कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स ये अब मैं बॉक्स खोल के दिखा चुकी हूँ, जैसे काफ़ी अच्छी तरीके से इसने काटा है, लेकिन आपने देखा वो वीडियो में यहाँ पे ये मशीन रुक जाती थी क्योंकि इसलिए क्योंकि जो ब्लेड मैंने लगाए हैं ये फ्रेंड्स थोड़े पुराने थे, ज़्यादा शार्प नहीं थे। फिर भी फ्रेंड्स इसने काफ़ी अच्छी तरीके से काटा, काफ़ी छोटे छोटे में काटा इसने। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। जब तक के लिए गुड बाय।